हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नारियल की मिठाई। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और फटाफट से तैयार भी जाती है और बिल्कुल मुंह भी खुल जाने वाली आज हम मिठाई बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में ढेर सारा। तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है फ्रेंड, त्यौहार में क्यों ना हम घर पर ही बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिठाई बनाएं जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम गैस ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन करने के बाद इसमें हम रख लेते हैं एक कढ़ाई। अब कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे दूध। तो दूध मैंने यहाँ पे देखिए टोटल 1.5 कप का यूज़ किया है। जो मेजरमेंट्स मैं बता रही हूँ ना, उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लाजवाब तक तैयार हो जाएगी। इसे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो देख सकते हैं जब अच्छे से बॉईल होने लगे ना, अब इसमें हम ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो देखिए वही बाउल से हम 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे। तो जो बनाने का प्रोसेस है फ्रेंड, आप मेजरमेंट से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे से इसे हमें बॉईल कर लेना है। पहले देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे फिर सूजी। तो देख सकते हैं 2 चम्मच मैंने सूजी डाला है। इससे ना हमारी मिठाई में बहुत ही बढ़िया ड्राइनेस आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं चीनी। तो ये देखिए 1/2 कप मैंने चीनी भी ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम हमें लो रख के ही कुक करना है। साथ ही इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो मैंने 4 इलायची लिया है, उसका छिलका निकाल कर इसे कूट लिया था। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये ड्राइनेस होने लगी है। तो देखिए मैंने शक्कर डाला था ना, इसीलिए थोड़े से वापस लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। इसे हम अच्छे से कुक करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से डो शेप में ना आ जाए। तो लगभग 8 से 10 मिनट लग जाएंगे और इस तरह से हमारी मिठाई बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छे से कुक करते जाइएगा जब तक ये अच्छे से पैन ना छोड़ने लगे, तब तक के लिए आप इसे कुक करते रहिएगा। अब लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। आपके पास फ्रेश मलाई हो तो मलाई ऐड कर दीजिए, या फिर घी हो तो घी ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो 2 मिनट के लिए और कुक कर लीजिए ताकि हमारी मिठाई काफ़ी अच्छे से ड्राइनेस में आ जाए। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो ना फ्रेंड, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी। तो देखिए फ्रेंड इसे अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है। तो देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से पैन ये रिलीज़ होने लगा है, अब बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। इसे मैंने उतार लिया है गैस से। तो 10 मिनट इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद से हम बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे हाथों में ये बिल्कुल ज़्यादा गर्म ना लगे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से थोड़े 10 मिनट बाद हो चुके हैं। अब इसे हाथों में हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए आप बहुत ही आसान तरीके से ये बन भी जाते हैं और ये मिठाई आप 10 मिनट में बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं इसे अच्छे से बॉल्स बना लीजिए। उसके बाद बीच पे उंगली की सहायता से इसे प्रेस कर लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से हमारी डिज़ाइन ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है। तो चलिए फ्रेंड इसके ऊपर हम कोटिंग कर लेते हैं। तो देखिए नारियल के बुरादे से आप कोटिंग कर लीजिए, इससे हमारी मिठाई का लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से आप मिठाई बनाकर ट्राई कीजिएगा। रक्षाबंधन स्पेशल में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी कम सस्ते बजट में बहुत ही बढ़िया मिठाई हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये मिठाई सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह मैं सारे बॉल्स को तैयार कर ली हूँ और फटाफट से कोटिंग कर लेती हूँ। तो देख रहे हैं कितनी लाजवाब टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो सब बना दिया है मैंने इसी तरह मिठाई। तो देख सकते हैं कितने ढेर सारे हमारे मिठाई बनकर तैयार हो चुके हैं। कम बजट में और सस्ते में बहुत ही टेस्टी मिठाई हमारी बनकर तैयार हो जाती है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरी रेसिपी फ्रेंड कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद कर सकूँ। तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने ऑरेंज फूड कलर का थोड़ा सा कोटिंग कर लिया है, देखने में इसका लुक बहुत ही बढ़िया लगे। आप चाहे तो कोई भी पिस्ता ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर सकते हैं। तो
तब यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी रसीली हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैंने फ्रिज वगैरह में भी नहीं रखा है, आप इसे ऐसे ही देखिए फटाफट से बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, हम तो जा रहे हैं इंजॉय करने, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।